Hi everyone, welcome to Byju's exam prep civil mechanical and exe YouTube channel. So in this startup series session of transportation engineering, aaj main aap logo ko bataunga components of an airport. Engineering service examination mein airport jo subject hai usme kafi vast syllabus aata hai. Gate ki agar hum baat kare to gate mein aapke paas लेंथ ऑफ रनवे, उसके करेक्शंस के बारे में सवाल पूछे जाते हैं और उसी के साथ जो टैक्सी वे है उसके रिगार्डिंग सवाल पूछे जाते हैं. लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं. एंड एज यू हैव सीन फ्रॉम द प्रीवियस एग्जामिनेशन और प्रीवियस ईयर्स, सवाल हर बार कहीं ना कहीं नए सेक्शन ऑफ सिलेबस से पूछा जा रहा है. इसीलिए आज इस एक बेसिक से सेशन में हम बात करने वाले हैं जो भी एयरपोर्ट के जितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं जहां से आपको सवाल पूछा जा सकता है उनके बारे में. हर एक छोटी से बड़ी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं. मेरा नाम जोशित सिंह है. आप लोग फटाफट से अगर मुझे नहीं जानते हैं तो मेरे बारे में मैं इंट्रोडक्शन भी दे देता हूं, उसको सुन सकते हैं. तो मेरा नाम जोशित सिंह है एंड आई हैव 5+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. आई एम एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की. और एक और जरूरी बात, इस वीडियो को आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. यू नेवर नो कि किस वीडियो से सवाल बन सकता है अगले इस एग्जामिनेशन में जो 2024 में होने वाला है. तो बिना किसी देरी के कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ. जैसे कि लास्ट 5 ईयर्स के जो हम सवाल हैं वो सॉल्व कराने वाले हैं यूट्यूब पे आप सभी को. और कल यानी कि 4 जून को एग्जैक्टली 12 PM पे हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट वेर यू कैन गेट अप टू 90% ऑफ स्कॉलरशिप इन आवर प्रोग्राम. कैसे हो अरुण? हाय, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम गाइस. यू कैन हिट द लाइक बटन ऑल्सो टू दिस सेशन और अपने दोस्तों के साथ भी जरा शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब इसी तरह के और सेशन के लिए. मैं बहुत अच्छा हूँ. हाउ आर यू? आप कैसे हो? सो दोस्त, ये कुछ बहुत सारे एंड आई वुड से हर एक कंपोनेंट है एयरपोर्ट का जिसमें आपको नजर आ रहा होगा रनवे लाइटिंग, आपको नजर आएगा डी आइसिंग एरिया, आपको दिखेगा प्री थ्रेशहोल्ड, आपको दिखेगा पीएपीआई एरिया, रनवे डेजिग्नेटर, सेंटर लाइन, टच डाउन जोन, एमिंग पॉइंट, थ्रेशहोल्ड, स्टॉप वे, होल्डिंग्स पॉइंट पोजिशन, एज मार्किंग, हाई स्पीड TWI, हेलीकॉप्टर स्टैंड, फायर स्टेशन, एयरलाइन सर्विस, बस स्टॉप एंड टैक्सी स्टैंड. ये इतने सारे कंपोनेंट्स हैं कि हम अगर इस सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो पूरी शाम निकल जाएगी और सुबह हो जाएगी, और ऐसा मैं नहीं करूंगा. तो आपके लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं एयरपोर्ट के वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो दोस्तों, अगर आप में से कोई कभी भी एयरपोर्ट नहीं भी गया है तो भी आप इस वीडियो से समझ पाएंगे कि किस तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एक एयरपोर्ट पे और उनका काम क्या होता है और उनका जो बेसिक काम है वो और कोई कंपोनेंट क्यों नहीं कर सकता. हम इस सेशन में जो रनवे के ऊपर लाइटिंग होती है उसमें हर एक लाइट के सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस करने वाले हैं. तो इसीलिए बने रहिएगा मेरे साथ इस शॉर्ट से वीडियो में. बहुत लंबा क्लास नहीं लूंगा मैं इस सेशन पर, राइट, क्योंकि चांस है कि आ जाए और चांस है कि यहां से सवाल ना भी बने. तो इसीलिए हम इसको उतना ही वक्त देंगे जितने ये डिजर्व करता है बेसिकली, क्योंकि यू नो कभी कहीं से भी सवाल आ सकता है. बट यस, वी आर टेकिंग अ पॉसिबिलिटी कि यहां से अभी ज्यादा सवाल नहीं बने हैं तो इस साल बनने के चांसेस हो सकते हैं, आगे जाके बनने के चांसेस हो सकते हैं. अगर आप लोग को मेरी आवाज और मेरा वीडियो बहुत अच्छे से दिख रहा है तो एक बार प्लीज कॉमेंट बॉक्स में एक हार्ट साइन बना के भेज दीजिए सो दैट आई कैन नो दैट आई एम ऑडिबल एंड परफेक्टली विजिबल टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ. स्टार्ट करता हूं मैं हमारे इस एयरपोर्ट के सबसे फंडामेंटल और मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से जो ना कि सिर्फ टेक ऑफ बट लैंडिंग के दौरान भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक एयरपोर्ट पे, और वो है रनवे. देखिए, रनवे जो होता है इसकी अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन की, नॉट मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो टिपिकली जो मटेरियल यूज किया जाता है दैट इज कॉन्क्रीट और एस्फाल्ट. एस्फाल्ट आप लोग को मैंने बहुत बार हाईवे इंजीनियरिंग की क्लासेस में भी समझाया है, ठीक है. तो यहां पे इसका बेसिक फंडा क्या है, ये एक तरह से टेक ऑफ या लैंड करने के काम आता है किसी भी एक एयरलाइन के लिए. अगर आपको नहीं पता टेक ऑफ और लैंडिंग क्या होता है, टेक ऑफ का मतलब जब कोई भी एक एरोप्लेन
अपने इस एयरपोर्ट को छोड़ करके उड़ता है, यानी कि फ्लाइट करता है, यानी कि हाइट गेन करता है या डिपार्चर करता है, उसको टेक ऑफ कहते हैं। और आने वाला प्लेन जो अराइव कर रहा है, जिसका अराइवल हो रहा है एयरपोर्ट पे, वो डिसेंड करता है और इस स्ट्रिप पे, इस लंबी सी रोड पर जिसको रनवे कहा जाता है, उस पर उतरता है और एंड में रुक जाता है। तो ये टेक ऑफ और लैंडिंग बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं। मैं मान के चलता हूं कि आपने कभी भी एयरपोर्ट नहीं देखा होगा और कभी भी फ्लाइट या इसके बारे में नहीं सुना होगा, तो मैं उसी अकॉर्डिंग इस पूरे वीडियो को लेकर के जाने वाला हूं, एक चीज। दूसरा, एक बड़ा सवाल बनता है कि क्या हम जब भी कोई रनवे डिजाइन करते हैं, तो क्या वो रनवे एकदम कहीं रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है? ऐसा नहीं है। बहुत ही सोच के, समझ के और बहुत ज्यादा एनालिसिस करके ही डायरेक्शन डिसाइड होती है। इसको डिसाइड करने के लिए जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हम ढूंढ करके और डिजाइनिंग कंटिन्यू करते हैं। बट ढूंढना कैसे है, तो उसको ढूंढा जाता है विंड रोज डायग्राम की मदद से। विंड रोज डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें आपको पता चलता है कि विंड की वेलोसिटी कितनी है उस एयरपोर्ट के, आप कह सकते हो रीजन में, ठीक है, विसिनिटी में, एयरपोर्ट के विसिनिटी में वेलोसिटी कितनी है विंड्स की, नंबर वन। नंबर टू, इंटेंसिटी कितनी है। नंबर थ्री, डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इन सबसे होता क्या है, देखिए, जब भी कोई भी एरोप्लेन उड़ता है, टेक ऑफ या लैंड करता है, उसके सामने जो विंड है, ठीक है, वो मान लीजिए आप कह सकते हो कि भाई लिटरली आ रही है या डायगनली आ रही है, राइट। तो हर उस विंड के आप कह सकते हैं दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जो कि होता है एग्जैक्टली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एरोप्लेन और अगेंस्ट, बट मुद्दा यहां पे यह है कि स्ट्रेट डायरेक्शन टू द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एंड सेकेंड होता है लेटरल टू द एरोप्लेन, विच इज द मोस्ट डेंजरस फॉर एनी एरोप्लेन ड्यूरिंग द लैंडिंग और द टेक ऑफ। अब यहां पे जो लेटरल डायरेक्शन से जो कॉम्पोनेंट ऑफ विंड है, उसको आप बोल सकते हैं क्रॉस विंड्स। तो क्रॉस विंड्स बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है किसी भी एक एरोप्लेन के टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान। वहीं अगर हम बात करें दूसरे कंपोनेंट के बारे में, जो पैरेलल होता है आपके एरोप्लेन की लैंडिंग या टेक ऑफ पाथ से, वो यूजफुल होता है किसी भी एरोप्लेन के लिए। जब भी फ्लाइट को टेक ऑफ करना होता है, उड़ना होता है, तो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दोज विंड्स प्रेफर करता है उड़ना, और अगर उसको रुकना होता है तो अगेंस्ट द विंड वो चाहता है कि वो जाए। अब क्रॉस विंड यहां पे वो चीज है जो प्रॉब्लम खड़ी करती है। तो इन क्रॉस विंड्स को ही हमको देखना होता है कि कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जिसमें हम विंड कवरेज अटेन कर पा रहे हैं। अब विंड कवरेज क्या होता है, देखिए, कोई भी एक ऐसी डायरेक्शन आप कह लो जहां पे 95% टाइम से ज्यादा आपका जो क्रॉस विंड्स हैं वो परमिसिबल लिमिट में ही रहती हैं, ठीक है। जो भी परमिसिबल लिमिट है, डिपेंड करता है कौन सा एरोप्लेन है, बड़ा है छोटा है, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि ये एयरपोर्ट पे जो रनवे होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब जरूरी नहीं है कि आपको पूरे साल में जो विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। जरूरी नहीं है कि कोई एक डायरेक्शन आपको मिल जाए जहां पे आपको विंड कवरेज मिल पाता है, जहां पे 95% टाइम से ज्यादा क्रॉस विंड्स अपनी परमिसिबल लिमिट में रहती हैं। ऐसे केस में क्या किया जाता है, ऐसे केस में दिए जाते हैं दो रनवे, और वो दोनों रनवे पैरेलल नहीं होते हैं, पैरेलल हो गए तो उनका काम ही खत्म। इस केस में दोनों के दोनों रनवे एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, ताकि जिस भी वक्त, जिस भी साल के महीने में वो रनवे यूज हो रहा है, उस साल जो भी डायरेक्शन में विंड कवरेज अटेन हो पा रही है, उसी रनवे को यूज किया जाता है। और इसका बहुत ही शानदार एक एग्जाम्पल इंडिया में भी है, एक ऐसा एयरपोर्ट जहां पे दो रनवे हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कोई मुझे एग्जाम्पल से बताना चाहेगा वो कौन सा एयरपोर्ट है, फटाफट से एक बार, कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट जो फटाक से बता पाए, एवरीवन। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो दिखा भी दूं, तो मैं जस्ट उसको उस पे क्या कहते हैं, हमारे गूगल मैप पे खोलने की कोशिश करता हूं। नहीं, क्रैश तो नहीं करेगा, क्योंकि आप उस महीने में उस पर्टिकुलर डे पर एक ही रनवे को ऑपरेशनल कर रहे हो, बाकी दूसरा रनवे अन ऑपरेशनल रहेगा, क्योंकि भाई उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है।
ओके चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से यहां पे आपको वो एयरपोर्ट पे दो अलग अलग डायरेक्शंस में नजर आता है आपका। ये देखिए क्या आपको नजर आ रहा है, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी आशा करता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम से ही आप समझ चुके होंगे मुंबई। तो इस जगह पे अगर आप देखो तो ये आपको एक रनवे नजर आ रहा है, क्लियरली आप इस रनवे को देख सकते हैं क्या, मैं और जूम कर देता हूं। तो ये हो गया इसका एक रनवे, ठीक है। ये रनवे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ में यूज होता है, लेकिन जब भी कभी विंड कवरेज अटेनमेंट यहां नहीं हो पाती है उसके लिए हम यूज करते हैं ये सेकेंडरी रनवे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये दोनों रनवे की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। क्या अब आपको समझ आ चुका है कि किस तरह से हम एयरपोर्ट का जो रनवे है उसकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए समझ आ गया, लाइक का बटन भी दबा देना अगर अच्छे से समझ आ चुका है। वापस चलते हैं हमारे अगले कंपोनेंट के ऊपर। किसी को कोई डाउट हो तो डाउट आप प्लीज पूछ सकते हो, कोई भी विचित्र चीज आपने अगर पहली बार देख ली हो जिसका आपको आइडिया ना हो तो आप प्लीज मेरे से पूछ लेना। ठीक है सर, रनवे का मैंने बता दिया कैसे बनता है भाई, इसके बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जो शहर है उसका एलिवेशन या एयरपोर्ट का एलिवेशन देखना पड़ता है, टेम्परेचर देखना पड़ता है, विंड मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, ठीक है, एरोप्लेन का वेट वगैरह ये सारी चीजों को कंसिडर करके लेंथ ऑफ द रनवे डिसाइड होती है। रनवे की ही दो तीन और चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे, जो कि होगी लाइटिंग, कि लाइटिंग किस तरह से काम करती है, और दूसरा होगा आपका एक स्टॉपवे। स्टॉपवे क्या है वो आगे बताता हूं। तो अगला कॉम्पोनेंट जो है मेरे पास यहाँ पे दैट इज टैक्सी वे। अब टैक्सी वे आपके गेट के सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डिजाइन ऑफ टैक्सी वे आता है जिसमें आपको रेडियस को डिजाइन करना पड़ता है। अब टैक्सी वे क्या है, आप चाहो तो मैं आपको एक काम करता हूं, अब मैंने क्योंकि वो खोल ही दिया था एयरपोर्ट का जो पूरा गूगल इमेज है, गूगल एकदम वो है, तो मैं आपको दिखाता हूं इसी में, देख लो एक्चुअल में हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। तो ये हो गया रनवे। अब देखो एरोप्लेन जो होते हैं ना वो रनवे पे नहीं खड़े होते हैं जब उनके ऊपर कोई भी पैसेंजर चढ़ रहा होता है या कोई कार्गो चढ़ रहा होता है, वो कहाँ खड़े होते हैं, वो खड़े होते हैं एप्रॉन में। एप्रॉन क्या होता है, एप्रॉन एक्चुअली वो जगह है, वो पार्किंग है एरोप्लेन के लिए, जैसे गाड़ियों की पार्किंग होती है उसी तरह से एरोप्लेन की पार्किंग होती है, उसको एप्रॉन बोलते हैं। एप्रॉन पे एरोप्लेन खड़े होते हैं उस वक्त के लिए जब उनके ऊपर जो पैसेंजर है वो चढ़ रहे होते हैं या सामान चढ़ रहा होता है। अब उस पर्टिकुलर एप्रॉन से उनको आना है रनवे पर क्योंकि उनको यहीं से ही स्पीड पकड़ के टेक ऑफ करना है, राइट, या कोई अगर अराइव आ रहा है, अराइवल कर रहा है तो उसको लैंड करना है और वापस से वहीं पे पैसेंजर्स को छोड़ना है, वो बीच रनवे पे रुक करके पैसेंजर्स को नहीं उतारेगा, ठीक है सर। हैंगर अलग चीज है, हैंगर पे भी मैं आऊंगा, हैंगर अलग हो गया, हैंगर थोड़ा मेंटेनेंस से रिलेटेड हो गया। एप्रॉन इज वेयर एरोप्लेन्स आर स्टैंडिंग। कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे यहां देख सकते हो ये मुंबई एयरपोर्ट है, काफी बड़ा एयरपोर्ट है तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो जाहिर सी बात है ज्यादा है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका मेन बिल्डिंग हो गया, ठीक है, जिसके अंदर जो है आपका पूरा एयरपोर्ट का ऑपरेशन चलता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये एक ब्रिज सा नजर आ रहा होगा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ब्रिज सबको ये, ठीक है। अब ये ब्रिज जो है वो क्या है, ये ब्रिज एक्चुअली एरोप्लेन के अंदर से पैसेंजर्स को एयरपोर्ट के अंदर भेजने के लिए एक पाथवे होता है, जैसा कि आप यहां देख भी सकते हो कि किस तरह से ये एरोप्लेन के दोनों गेट्स पर अटैच हो जाता है और पैसेंजर्स यहां से उतरते हैं और वो एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि ये बड़ा एयरपोर्ट है तो इसके पास इस तरह के काफी सारे ब्रिजेस हैं, लेकिन ऐसा हर एयरपोर्ट पे होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एरोप्लेन्स एप्रॉन में खड़े होते हैं जैसे कि आपको यहां नजर आ रहा होगा, और पैसेंजर्स को इन गेट्स के द्वारा बसेस में बैठा करके इस पर्टिकुलर एरोप्लेन तक लेकर के आया जाता है और उन बसेस से इनको यहां बैठाया जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो काम करता है। अब पॉइंट ये है कि हमारा टैक्सी वे क्या है, ठीक है, टैक्सी वे बता रहा था मैं आपको। तो अब ये जो एरोप्लेन है इसको जाना है रनवे तक। अब रनवे तक ये कैसे जाएगा, रनवे तक ये जाएगा टैक्सी वे की मदद से जो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा। ये वो रेडियस है जो आप डिजाइन भी करते हो, ठीक है, ये पाथ जो आपको दिख रहा है ये देखो यहां पे ये एरोप्लेन रनवे की तरफ जाता हुआ आप देख भी सकते हो कि ये एप्रॉन से निकलेगा, यहां से एप्रॉन से निकलेगा इस तरह से,
और इस पाथ पे ट्रैवल करते 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 यहां पे आएगा। तो ये जो आपका पाथ है जिसको यूज किया जाता है एज अ इंटरमीडिएटरी पाथवे बिटवीन द एप्रॉन एंड द रनवे, उसको बोला जाता है टैक्सीवे। और इसका डिटेल्ड जो डिजाइन है वो मैं आपके लिए ऑलरेडी ले चुका हूं यूट्यूब पर, अगर किसी को ना मिले तो प्लीज मुझसे सिविल बाय निंजा सर टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो का लिंक मांग लीजिएगा, मैं आपको वहां पे दे दूंगा। ठीक है, टैक्सीवे आर एसेंशियल फॉर एफिशिएंट एयरपोर्ट ऑपरेशंस एज दे अलाउ एयरक्राफ्ट टू मूव अराउंड द एयरपोर्ट एंड गेट टू देयर असाइंड गेट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया जो ब्रिज लगता है। ठीक है, तो ये था आपका टैक्सीवे। समझ आ गया दोस्त? किसी को कोई डाउट? अच्छे से समझ आ गया है तो हार्ट साइन बनता है, और अगर डाउट है तो डाउट भी पूछना बिल्कुल बनता है। अब अगले कंपोनेंट पे चलते हैं। अभी तक हमने बात कर ली है रनवे के बारे में, अभी तक हमने बात कर ली है टैक्सीवे के बारे में, अब वक्त आ चुका है अगले कंपोनेंट को डिस्कस करने का जिसको हम बोलते हैं एप्रॉन। ठीक है, अब एप्रॉन मैं आपको ऑलरेडी दिखा भी चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं। एप्रॉन बेसिकली एक रैंप है या एक ऐसा एरिया है एयरपोर्ट के अंदर जहां पे जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको पार्क किया जाता है और उनके अंदर सामान को चढ़ाया या उतारा जाता है। देखो, जो मैंने आपको बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो है ब्रिज लगे हों एयरपोर्ट और आपके एरोप्लेन के बीच में, कभी कभी बसेस से भी ले जाया जाता है। तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो मेरे पीछे जो इमेज है, इस इमेज में आपको नजर आएगा, मैं थोड़ा सा साइड भी हो जाता हूँ, इस इमेज में आपको नजर आएगा कैसे यहाँ पे स्टेयर्स लगे हुए हैं एरोप्लेन के गेट पे, डोरवे पर, जिससे कि पैसेंजर्स चढ़ते हैं। तो इसको आप बोल सकते हो कि भाई ये हो गया आपका पार्किंग ऑफ द एरोप्लेन जब लोग इस पे चढ़ते हैं या सामान इस पे चढ़ाया जाता है। तो ये कहाँ खड़ा होगा? ये खड़ा होगा पार्किंग में या एप्रॉन में। चलते हैं अगले कंपोनेंट पे, बड़ा बेहद आसान सा कंपोनेंट था ये तो। फिर आता है हैंगर, जिसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे। हैंगर जो है बेसिकली वो एप्रॉन से अलग है। एप्रॉन का काम क्या था? एप्रॉन का काम था पार्किंग, बेसिकली पार्किंग फैसिलिटी फॉर द एरोप्लेन जब उसके अंदर पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं या सामान को चढ़ाया जा रहा है या उतारा जा रहा है। हैंगर ऑन द अदर हैंड एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है किसी भी एक एयरपोर्ट पर जो एज अ पार्किंग काम करता है, बट उस वक्त के लिए नहीं जब उस पे पैसेंजर चढ़ रहे हैं, बट उस वक्त के लिए जब उसका मेंटेनेंस हो रहा है या फिर अब उस एरोप्लेन का कोई काम नहीं है, अब अगली जो उसकी फ्लाइट है वो मे बी एक दिन बाद है या 2 दिन बाद है या 3 दिन बाद उसको उड़ना है, तो तब तक वो एप्रॉन पे खड़े होकर के जो एरिया है वो वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी एरोप्लेन जो है उनको भी एरिया चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल सी पार्किंग अगर आप लेते हो किसी कार की भी, तो वहां पे भी आपको लिमिटेड स्पेस मिलती है, वैसे यहाँ पे एरोप्लेन के लिए भी लिमिटेड स्पेस होती है इन द पार्किंग। तो इसीलिए अलग से एक फैसिलिटी बनाई जाती है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हैंगर बोलते हैं। हैंगर के अंदर एरोप्लेन तब खड़ा होता है जब या तो वो आप बोल सकते हैं कि स्टोर किया गया है, 3 दिन 4 दिन बाद फ्लाइट है, या हो सकता है बाद में फ्लाइट है, या उसको मेंटेनेंस उसका चल रहा होता है या उसकी सर्विस की जा रही होती है। तो ऐसे टाइम पे ये सारी चीजें, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट्स भी चाहिए, ये सारी चीजें रनवे को या रनवे पे नहीं हो सकती, टैक्सीवे पे नहीं हो सकती, एप्रॉन पे नहीं हो सकती, इसको सेपरेट जगह चाहिए जिसको हमने हैंगर नाम दे दिया। समझ आ गया दोस्त? कोई डाउट? सुपर। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैं कहूंगा आज के वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्पोनेंट है वो है रनवे लाइटिंग। ये आपको लाइटिंग जो है पूरे वर्ल्ड में हर जगह दिखेंगी, हर एयरपोर्ट के रनवे पर। ठीक है, इट्स नॉट दैट कि ये इंडिया के लिए ही है, ये सबके लिए है। ठीक है, अब यहां पे हम एक एक करके इन सारी लाइटों के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो ग्रीन कलर की लाइट जल रही है यहां पे, ये इंडिकेट करती है कि यहां से रनवे स्टार्ट हो रहा है। देखो, जब रात होती है तो रात में इतनी सारी लाइटें जल रही होती हैं आसपास पूरे शहर में, एयरपोर्ट के पास भी, कि ये पता लगाना मुश्किल हो सकता है किसी भी एक पायलट के लिए कि रनवे एक्चुअल में है कहां या शुरू कहां से हो रहा है। इसीलिए ये ग्रीन कलर की लाइटें इंडिकेट करती हैं कि यहां से रनवे स्टार्ट हो रहा है, और रेड कलर की लाइटें इंडिकेट करती हैं कि ये रनवे यहां पे एंड हो रहा है, ताकि उनको पता हो कि कब एरोप्लेन को रोकना है, नंबर वन। इसके अलावा रनवे की चौड़ाई यानी कि विड्थ भी पता होनी चाहिए एक पायलट को, तो विड्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एज लाइटिंग दी गई है। आपको ये एजेस पे लाइट्स नजर आ रही होगी, आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो, ठीक है, एजेस पे लाइट दिख रही होगी, करेक्ट, ये होगी एक चीज। दूसरा,
अब क्योंकि एरोप्लेन का जो बेसिकली पायलट है उसका यही गोल है कि एरोप्लेन एट द सेंटर ऑफ द रनवे पर ही लैंड होना चाहिए या टेक ऑफ करना चाहिए, तो उसके लिए सेंटर लाइन डिफाइन करना भी बेहद जरूरी है। तो सेंटर लाइन को डिफाइन करने के लिए यहां पे व्हाइट कलर की डॉटेड स्मॉल लाइट्स दी गई हैं जो आइडेंटिफाई करवाती हैं किसी भी पायलट को कि ये सेंटर लाइन है किसी भी एक रनवे की। इसके अलावा आपके पास ये कंटिन्यूअस येलो ग्रीन ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन लाइटिंग भी है। ये क्या बताती है, ये आपको या पायलट को इंडिकेट करती है रास्ता कहां का, टैक्सी वे का, क्योंकि उसको कहां जाना है, एप्रॉन में जाना है ताकि वो पैसेंजर्स को उतार सके। ठीक है, समझ आ गया होगा आशा करता हूं, राइट। बाकी ये ग्लो जो लाइट ग्लो कर रही है ये भी आपको एंड बताने के लिए ही है बेसिकली। आगे आता है डी आइसिंग एरिया। इंडिया में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ वो जो देश बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, रशिया हो गया, ठीक है, उन जगहों पे डी आइसिंग एरिया होता है। क्यों? क्योंकि जब तक पैसेंजर्स या कार्गो एरोप्लेन पे चढ़ रहा होता है तब तक वहां पे जो बर्फ होती है, बर्फबारी अगर हो रही होती है तो एरोप्लेन के ऊपर एक बर्फ की लेयर जम जाती है जो कि बहुत थिन होती है और आसानी से दिखती भी नहीं है। तो ऐसे केस में अगर एरोप्लेन उड़ा दिया जाएगा तो उस केस में कोई भी मिस हैपनिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एरोप्लेन के फ्लैप्स हैं वो एक्चुअली एडजस्टेबल होते हैं, जो अगर कभी आप बैठो आगे जाके, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि एरोप्लेन में अगर आपको एक्चुअल में देखना है कि विंग्स एक्चुअली में काम करते कैसे हैं, कैसे वो मूव करते हैं जब अगर टेक ऑफ करना हो या लैंड करना हो, तो कोशिश करना कि 14 से 18 नंबर की सीट ही लेना, ठीक है, दैट टू विंडो सीट, ताकि आपको दिख सके 14 से 18, लगभग उसके बीच में ही आपको विंग्स दिख जाते हैं इजिली, ठीक है। वैसे तो पीछे से भी दिख जाएंगे बट क्लोज लुक के लिए आप वो चूज कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे डी आइसिंग का काम क्या है, डी आइसिंग का काम है बेसिकली जो आइस है उसको रिमूव करना। अब ये काम जो है इतनी आसानी से नहीं होता, इतना बड़ा एरोप्लेन है, ठीक है, टाइप ऑफ लाइट यूज फॉर डिफरेंट, हाँ सारी की सारी जो लाइट्स हैं उनका अपना खुद का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, कोई भी लाइट दूसरी लाइट का जो पर्पज है वो फुलफिल नहीं करती है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो किसी भी पायलट के दिमाग में। अब डी आइसिंग एरिया अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हैं कि जो जो फ्लूड है, जो फ्लूड को हम स्प्रे करते हैं ताकि आप आइस को हटा सकें, बहुत ही बड़ी अमाउंट में किया जाता है। तो ये एप्रॉन पे खड़े करके नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे पैसेंजर्स और भी होते हैं, एरोप्लेन और भी होते हैं, तो इसी के लिए अलग से एक डी आइसिंग एरिया प्रोवाइड कराया जाता है किसी भी एक एयरपोर्ट पर। आगे चलते हैं दोस्त, अगला आता है स्टॉपवे। अब ये स्टॉपवे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको एक बार हम समझ लेते हैं प्लीज। डिफरेंट डिफरेंट सरफेस ऑफ एयरपोर्ट में काफी कंफ्यूज होता है, प्लीज डिस्कस कर देना। डिफरेंट डिफरेंट सरफेस का मतलब क्या है आपका, मतलब एयरपोर्ट के किस कंपोनेंट के सरफेस के बारे में आप बात कर रहे हैं, एक बार वो मुझे कंफर्म करो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। स्टॉपवे की अगर हम बात करें तो स्टॉपवे एक ऐसा एरिया है जो रनवे के एंड, जहां एंड हो जाता है ना रनवे, उसके बाद थोड़ा सा और एक्सटेंशन दिया जाता है रनवे का, वो जो एक्सटेंशन है रनवे का उसी को स्टॉप वे बोला गया है। और इसका जो बेसिक आप कह सकते हो यूजेज है वो ये है कि हर एक पायलट के दिमाग में सेट होता है कि हमारे पास इतना ही लेंथ है रुकने के लिए इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से अनफॉर्चुनेटली अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, एरोप्लेन को रोक नहीं पाते हैं गिवन डिस्टेंस में, तो उनके पास एक एडिशनल डिस्टेंस होती है जिसमें वो एरोप्लेन को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। और ये सरफेस जो होता है, इस स्टॉपवे का जो सरफेस होता है वो ज्यादा रफ होता है इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल रनवे सरफेस। रीजंस बहुत क्लियर है क्योंकि स्टॉपवे का जो बेसिक फंडामेंटल है वो यही है कि उसको एरोप्लेन की वेलोसिटी को कम करना है या उसको रोकना है, इसी कारणवश उसके सरफेस को और भी ज्यादा रफ रखा जाता है। स्टॉपवे इज टिपिकली एन अनपेव्ड एरिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था वो लिखा भी हुआ है, ठीक है, अनपेव्ड एरिया है लेकिन इट इज मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एज द रनवे, कॉन्क्रीट या एसफॉल्ट, बट इसके ऊपर जो ओवरले होता है वो प्रोड्यूस या वो नहीं दिया जाता है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर मोर फ्रिक्शन वाला जो रीजन है, जो एरिया है वो मिल सके, राइट। अब यहाँ पे आपके पास ये थे सारे के सारे जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं किसी भी एक एयरपोर्ट के, उनकी जानकारी। यस हाँ, तो यही थी कि
किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हो। एंड श्रीराम प्लीज मुझे आप बताइएगा कि आप किस पर्टिकुलर कंपोनेंट के सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक जिसको हम कहते हैं कि कंपोनेंट का एक अपना यूजेज है, तो उसके हिसाब से ही हम प्रोवाइड कराते हैं उसके सरफेस को। जैसे कि हाईवे में भी आप देखते हो कि कहीं भी अगर हैवी ट्रैफिक होता है, ठीक है, तो वहां पे आप जाते हो VG30 के साथ। लेकिन कहीं भी अगर स्टॉप एंड गो मोशन है, जैसे कि टोल हो गए, इंटरसेक्शन हो गए, ठीक है, ऐसी जगह या पार्किंग्स हो गई, ऐसी जगहों पे हम VG40 को चूज करना प्रेफर करते हैं, जिसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है किसी भी एक लोड को बियर करने की। उसी तरह से आप यहां पे भी देख सकते हो, ठीक है। अब रनवे एक ऐसा सरफेस होता है जिसको शॉक या इंपैक्ट को भी झेलना होगा, राइट। लाइट, हाँ लाइट अभी बताई तो थी मैंने, अभी बताता हूँ इसके बाद ना, ठीक है। तो इसी तरह से रनवे को भी हमें डिफाइन या डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। लाइट्स की आई थिंक डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो डाउट है एक बार आप वो प्लीज पूछ सकते हो। इसमें से कौन सी लाइट को लेकर के डाउट है आप कंफर्म एक बार कर दीजिए। स्टॉपवे जो होता है वो यहाँ से आगे की तरफ दिया जाता है, और यहाँ पे जो स्टॉपवे है ये बहुत सारे डिजाइन क्राइटेरियाज के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि कितना एडिशनल हमें देना चाहिए, राइट सर। किसी को कोई सवाल है तो एक बार प्लीज पूछ लीजिए। किसी ने लाइट्स के बारे में पूछा था, एक बार आप अपना डाउट की पूछ लो। लाइट्स में आपको कौन सी चीज नहीं समझ आई, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जितनी भी लाइट्स हैं वो आपके सामने ही हैं, जो एंड और स्टार्ट डिफाइन करती हैं किसी भी एक रनवे का उसको, ठीक है सर। इमेजिनरी सरफेस लाइक टेक क्लाइंब सरफेस, अप्रोच सरफेस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहले मैं ये लाइट वाला क्लियर करता हूँ। अगर हम बात करें लाइटिंग्स की, तो लाइटिंग्स में आपके पास इनिशियली सभी लाइट का यूज, अभी तो बताया वीडियो में, आप सुन नहीं रहे थे क्या? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ थोड़ा सा स्पीड में लेकिन इस बार। तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइट्स हैं वो ये डिफाइन करती हैं, जो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट्स आपको नजर आ रही हैं वो ये डिफाइन करती हैं कि यहाँ से रनवे स्टार्ट हो रहा है। तो दूर से ही दिख जाता है किसी भी एक पायलट को कि रनवे की स्टार्टिंग कहाँ से है, तो उसी हिसाब से वो अपना ऑल्टीट्यूड डिफाइन करता है, उसी हिसाब से अपना ऑल्टीट्यूड कम करता है। अगर उसको लगता है कि दूर है लाइट, है ग्रीन लाइट दूर दिख रही है, मतलब रनवे थोड़ा और दूर है अभी, तो वो अपना ऑल्टीट्यूड मेंटेन रखता है। लेकिन लगता है कि भाई पास आ गया, तो वो डिसेंड करना स्टार्ट करता है। रेड लाइट एरोप्लेन में बैठे पायलट को ये बताता है कि भाई वो एंड है, दूर से ही उसको नजर आ जाता है एंड ऑफ द रनवे रात में, ठीक है, क्योंकि रात को भाई दिखता नहीं है कुछ भी, और लाइट ऐसा तो है नहीं, हेडलाइट होती है किसी एरोप्लेन के अंदर। अब उसी के साथ ये भी पता होना चाहिए किसी भी एक पायलट को, जब वो लैंड कर रहा है किसी रनवे पे, कि वो सीधी लाइन में है भी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है एरोप्लेन टेढ़ा जा रहा है। तो उसके लिए दो चीजें हैं। नंबर वन, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन पे ये व्हाइट कलर की स्मॉल लाइट्स लगी होती हैं, जो डिफाइन करती हैं कि ये सेंटर लाइन है किसी एक रनवे का। और दूसरा होती है एज लाइट्स, जो बताती हैं कि यहां तक ही केवल आपका जो विड्थ है रनवे का वो दिया गया है। तो ये होगी एज लाइट्स। इसके बाद जब ये रुक जाता है तो आपके एरोप्लेन को एप्रॉन तक भी जाना है। तो अब एप्रॉन तक जाने के लिए जो लाइट्स यूज की जाती हैं, जो इंडिकेशंस यूज किए जाते हैं, वो यूज किए जाते हैं येलो ग्रीन कॉम्बिनेशन वाली लाइट्स जो आपको यहां पे नजर आ रही होंगी। ब्लू कलर की जो लाइट्स हैं वो डिफाइन करती हैं एजेस ऑफ द टैक्सी वे। मिडिल लाइट इज व्हाइट ओनली बट स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। ब्लू कलर की जो लाइट्स है वो डिफाइन करती हैं आपका टैक्सी वे का जो एजेस हैं उनको, राइट। और इसके अलावा कौन सी लाइट बची, बस ये जो ब्लिंक कर रही है ये वही स्टार्ट या फिर एंड बताने का काम करती हैं, ठीक है सर। कूल, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। सरफेस, ठीक है, इसके ऊपर एक सवाल आया हुआ है जो गेट में पूछा गया था, टेक ऑफ क्लाइंब सरफेस अप्रोच सरफेस के ऊपर, राइट। आई थिंक मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी लिया हुआ है, और अगर नहीं लिया है तो मैं सेपरेट वीडियो उसके लिए ले लेता हूँ, क्योंकि उसको बताने के लिए मुझे बहुत सारे ऑल्टीट्यूड्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको ना पता हो तो उसमें इमरजेंसी लैंडिंग, इमरजेंसी टेक ऑफ, ठीक है, इमरजेंसी टेक ऑफ तो क्या, इमरजेंसी लैंडिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इन सारी चीजों को भी कंसिडर करना होता है। तो वो डायग्राम्स मेरे पास अभी ऑलरेडी नहीं है, तो अभी मैं उसको साइड में रख लूंगा। लेकिन आपको अगर चाहिए तो मैं एक छोटा सा वीडियो उसके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बना सकता हूँ, जिसपे आई थिंक एक बार सवाल आया है गेट में, आई थिंक 2-3 2 साल पहले आया था, या हाँ 2 साल पहले आई थिंक आया था।
तो ये थे हमारे पास आज के लिए इस वीडियो में जो कंपोनेंट डिस्कस करने थे। आगे अगले वीडियो में हम लोग और भी डीप इसके बारे में बात करेंगे, जो श्री राम मीना का जो डाउट है उसके लेकर के जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा डिजाइनिंग है उसको भी हम जरूर समझेंगे, कैसे पोल हाइट डिसाइड की जाती है, कैसे लैंडिंग पे डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्स्टिकल जो होने वाला है रनवे पे उसका हाइट कितना होना चाहिए, कैसे टेक ऑफ, इमरजेंसी टेक ऑफ या इमरजेंसी लैंडिंग के बेसिस पे स्टॉपवे का लेंथ डिसाइड होता है, ये सारी की सारी डिजाइनिंग और चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको, आप प्लीज मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है जोशित सिंह, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट गाइस।